दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप भी WhatsApp पर किसी भी फ्रेंड का चैट को लॉक करते हैं तो आपको WhatsApp पर देखने को मिल जाता है कि आपने किसी न किसी फ्रेंड को चैट को लॉक किए हैं। जैसे यहां पर आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूं। जैसे मैं यहां से WhatsApp को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद मान लीजिए मैं एक फ्रेंड को पहले चैट लॉक करके दिखाता हूं। उसको प्रोफाइल नेम पर टाइप करेंगे, आपको नीचे आना है, देन यहाँ पर चैट लॉक पर टाइप करके और यहाँ से आप कंटिन्यू पर टाइप करेंगे, अपने पासवर्ड को डाल देना है। अब ये चैट इसका लॉक हो चुका है। चलिए आप थोड़ा सा स्वाइप करेंगे तो ऊपर में यहाँ पर लॉकेड चैट्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इससे किसी फ्रेंड को पता चल जाएगा कि आपने किसी न किसी फ्रेंड का चैट को लॉक किया है। बट आपको बताने वाला हूं कि यहां पर लॉकेड चैट्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसको आप हाइड कैसे करेंगे ताकि कोई भी फ्रेंड आपके व्हाट्सएप को ओपन करेगा तो वहां पर लॉकेड चैट उसको दिखाई नहीं देंगे। तो कैसे करना है चलिए आपको यहां पर बता दे रहा हूं। तो मान लीजिए ये लॉकेड चैट से यहां पर दिखाई दे रहा है, तो लॉकेड चैट्स पर सिंपली आपको टाइप करना है जो भी आपका पासवर्ड होगा या फिंगरप्रिंट होगा आपको दे देना है, और यहां से आपको यहां पर उसका चैट ओपन हो जाएगा जो आपने लॉक किया होगा। ठीक है, यहां पर दिखाई दे रहा है ऊपर में दिखाई देगा आपको। फिर से थ्री डॉट का ऑप्शन राइट साइड कॉर्नर में, थ्री डॉट पर टाइप करना है, चैट लॉक सेटिंग पर सिंपली आपको टाइप करना है और यहां पर हाइड लॉकेड चैट्स को इनेबल करना है। ठीक है, यहां पर क्रिएट सीक्रेट कोड को टाइप करना है और यहां से कोई भी आप एक अपना सीक्रेट कोड डाल लेना है। ठीक है, जैसे मैं आप ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, वरना आप इमोजी भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहां से इमोजी सेट कर दे रहा हूं, चार इमोजी सेट कर दिया मैंने, वही इमोजी आपको दोबारा भी डन पर आपको टाइप कर देना है। जैसे मैंने डन पर टाइप किया, अभी ये मेरा चैट लॉक हाइड हो चुका है। चलिए यहां से आपको दिखा दे रहा हूं, बैक आएंगे अब दिखाई दे रहा है। जैसे मैं स्वाइप भी कर रहा हूं तो मेरा ऊपर में यहां पर चैट लॉकेड चैट्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको भी दिखाई दे रहा है। अब किसी भी फ्रेंड का चैट को लॉक कर दिए, अब कोई भी आपका व्हाट्सअप ओपन करेगा तो यहाँ पर या तो लॉकेड चैट का ऑप्शन देखने को उसके पास नहीं मिलेगा। इससे उसको पता नहीं चलेगा कि मैंने किस किस फ्रेंड के चैट को लॉक किया है। ठीक है, अब बात करने वाला है कि जो लॉकेड चैट को आपने हाइड किया है उसको आप दोबारा कैसे देखेंगे, आप उससे दोबारा चैट कैसे करेंगे, ये भी आपको दिखाने वाला हूँ। ऊपर में दिखाई देगा सर्च बार का ऑप्शन, सर्च बार पर आप टाइप करेंगे जो भी आप लॉकेड चैट में कोड डाले हैं उस कोड को आपको डालना है। जैसे मैं इमोजी सेट किया हूं, चले यहां से इमोजी मैं डाल देता हूं, 1 2 3 इमोजी सेट करेंगे, लॉकेट चैट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। लॉकेट चैट पर आपको सिंपली टाइप करना है, वो आपका चैट यहां से ओपन हो जाएगा। अब यहां से कुछ भी आप उसके पास सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपने व्हाट्सएप के अंदर अपने लॉकेट चैट को हाइड कर सकते हैं ताकि कोई भी फ्रेंड आपके व्हाट्सएप पर आए तो आपका व्हाट्सएप का लॉकेट चैट को नहीं देख पाए। ठीक है, ऐसे बहुत सारी यूजफुल वीडियो के लिए आप मुझे यानी तसाम मॉनिटर को फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद।